गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह सुबह नव को चुप करा के सो के मैंने डिसाइड किया है कि थोड़ा टाइम मैं खुद पे दूंगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने अपने स्किन की थोड़ी भी केयर नहीं की है। ऑरेंज के छिलके को मैंने सुखा लिया था और उसे पीस लिया था और उसमें शहद और कर्ड मिला के फेस पैक बनाया है। बाद गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक मैंने लगाया है। मेरा नवू सो के उठ गया है, मम्मा को देख के स्माइल दे दो। हाँ। अरे आज स्माइल नहीं दे रही, आज मेरा बच्चा रो रहा है, लात मार रहा है, ऐसा क्यों? मम्मा को देख के दल गया क्या? हाँ ओके, पापा के पास लेके जाऊंगी। नहीं मारो बेटा, मत डरो मत डरो, अभी क्लीन करती हूँ। हंस दो थोला, मम्मा ही हूँ, पहचान लो, तुम्हारी माँ हूँ मैं। रोज सो के उठ के हंसती थी, आज रो क्यों रही है बेटा, क्यों रो रही है? नवू मम्मा हूँ मैं, मत रो बेटा। आहा आहा, मम्मा मम्मा हूँ मैं, अब हंसी मिला, अब खुशी मिला, फिर रोने लगी मुझे देख के। हा नहीं पता कि उसे क्या रिएक्शन देना है मुझे देख के। समटाइम्स मुझे देख रही है तो बहुत ज़ोर से रो रही है, समटाइम्स मुझे देख रही है तो हंस रही है। मेरी आवाज़ से वो मुझे पहचान रही है, इसलिए वो ट्राई कर रही है हंसने का, बट मुझे देख रही है तो फिर कर रही है ना। वो मम्मा है, हंस दो, हंस दो, हंस दो, चलो चलो मम्मा क्लीन कर देगी। मैंने अभी अपना फेस वॉश कर लिया, थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी है, बट अभी जस्ट मैंने फेस वॉश कर लिया और फ़र्क नज़र आ रहा है। देखिए फ़र्क तो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि लोग कहते हैं विद इन 4 मिनट्स गेट वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग एंड ऑल। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि 5 मिनट आपने कुछ लगाया और फेस एकदम उजला हो गया और आप गौशाला से मधुबाला बन गए। ऐसा होता नहीं है कुछ। तो कोई भी चीज़ करने के लिए आपको एटलीस्ट 1-2 महीने देखना पड़ता है कि आपके स्किन को वो चीज़ सूट कर रही है या नहीं, वो चीज़ आपके लिए सही है या नहीं। और कोई भी इंसान काला है तो वो गोरा नहीं हो सकता। तो किसी भी वीडियो को देख के ये मत सोचिए कि हाँ, कोई भी चीज़ लगाने के बाद आप अगर काले हैं तो इंस्टेंट आप गोरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये होम रेमेडीज़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को सेवा चाहिए होती है। अगर आप प्लांट में पानी डालेंगे तभी उसका ग्रोथ होगा, अगर बालों में तेल लगाएंगे तभी वो अच्छा हाइड्रेटेड और ग्रोथ होगा उसका भी। वैसे स्किन है, अगर आप स्किन को ऐसे ही छोड़ दें तो वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हो जाते हैं और आपकी त्वचा सांस नहीं ले पाती अच्छे से। तो उसको क्लीन करते रहना चाहिए, कुछ ज़्यादा मत करिए, फेशियल मत कराइए, पार्लर मत जाइए, बट एटलीस्ट घर पे कुछ कुछ लगाइए ताकि आपकी स्किन साफ़ रहे। और जब साफ़ रहेगी तो उसमें डर्ट वर्ट ब्लैक हेड्स वगैरह नहीं रहेगा। और सावली स्किन हो तो भी अगर स्किन टाइट होती है और ग्लो करती है ना, तो आप बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत यंग दिखते हैं। तो मेरी तो छोटी बेबी है, मुझे मौका नहीं मिलता खुद का ख्याल रखने का ज़्यादा। तो आई थिंक मैंने 2-3 महीने बाद कुछ किया है अपने लिए आज, बट मैंने सोचा है कि मैं कोशिश करूँगी कि अपने ऊपर आप ध्यान दूँ ताकि मेरे स्किन ग्लो करें, मेरे बाल अच्छे रहें और मैं अच्छी दिखूं। क्योंकि ज़िंदगी अंत नहीं है, ज़िंदगी है अभी, माँ बनी तो क्या, खुद पे ध्यान देना भी तो ज़रूरी है। तो ये रेमेडीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे हस्बैंड का बहुत रिंकल्स आ जाता है यहाँ पे अचानक, मैं देखती हूँ और मैं देखती हूँ एक ही दो बार मुल्तानी मिट्टी लगा देती हूँ तो उसकी स्किन बहुत टाइट और अच्छी हो जाती है। कुछ लोगों को यहाँ झुर्रियाँ आती है ना ऐसे 2-3 लेयर, वो टाइट हो जाता है। तो मुल्तानी मिट्टी का तो असर मुझे दिखता है साफ, कि वो लगा दो तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट टाइट थोड़ी हो जाती है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं सूजी का उत्पम बना रही हूँ। कर्ड और सूजी को मिक्स करके उसमें थोड़ा अदरक क्रश करके उसमें ऊपर से ढेर सारे वेजीज डाल के मैंने बनाया है। उठो ना, उठो। क्या है? इट्स उत्पम पिज्जा।
मुंह धो के आओ तो मुझे लगा तुम्हारे सोने से पहले मैं बना दूं, क्योंकि जैसे ही तुम सो के उठते हो तुम्हें भूख लगती है। अच्छा है, लुक सो यम्मी ना साकु। ऐसे कौन से आता है हमारे यहाँ? पति पत्नी का जूठा नहीं खा सकता, लेकिन पत्नी खा सकती है पति का जूठा, ऐसा रिवाज है। बट हम फॉलो नहीं करते। यहाँ पे फॉलो करते हैं। सकू मेरा जूठा नहीं खाता, बट मैं इसका खा लेती हूँ। इट्स सो यमी। इसको जूठा खाना नहीं कहते, इसको मिल मिल बांट के खाना कहते हैं, एक थाली में। हस्बैंड वाइफ का जूठा नहीं खा सकता है, तो शादी के दिन दही जूठा क्यों खिलाते हैं? किसी के पास जवाब कि शादी के दिन दही जूठा क्यों खिलाते हैं? यू लाइक दैट? डू यू वांट मोर? एक और ले लो, अच्छा लग गया तो। ओके चलो, अब थोड़ी देर में नव उठ जाएगी। नव उठने से पहले मसाज करा लो, नहीं तो नव उठ करना नहीं लगी। मैं किचन में जा रही हूँ, रेडी रहो खा के। इसीलिए कहते हैं ना, इकलौता औलाद बिगड़ा होता है। सच में इकलौता बिगड़ा होता है। मेरी बेटी बिगड़ गई है, बिगड़ के मिट्टी मिल गई है। पता नहीं से क्या हो रहा है, सो रही है फिर तुरंत उठ जा रही है। एक चींटी मुझे दिखी थी बेड पर, मुझे लग रहा उस कारण ये सो, मतलब सो के उठ रही है तो बहुत रो रही है, तो मैंने अभी चींटी मारा। एक माँ क्या नहीं कर सकती, एक माँ बहुत बड़ी योद्धा होती है। और मैंने चींटी मारा क्योंकि वो मेरी बेटी को काट रहा था। तो सकू ने बोला मत मारो, वो तो जीव है, तो छोड़ दूंगी तो फिर काटेगा और मेरी बेटी को रुलाएगा, मेरी फूल सी बेटी को रुलाएगा। इसलिए मैंने मसल के मार दिया। वैसे मैं इसके पहले चींटी कभी नहीं मारती थी, मच्छड़ भी नहीं मारती थी, लेकिन इन दिनों हर रात सकू मच्छड़ मारता है और अभी मैं चींटी का कत्ल कर दी। जीव हत्या किया हम दोनों ने। आई नो पाप है, बट मेरी बेटी को जो भी तकलीफ पहुँचाएगा उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, भले ही पाप मैं कर दूं, मेरे हाथों से पाप हो जाए चलेगा।